हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डायनामिक विथ स्टडी। फ्रेंड्स, हर बार की तरह आज भी कुछ नया सीखेंगे। आज जो हम सीखेंगे वो ये है कि डेफिनेशन ऑफ एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, पहले हम देखते हैं एक्जोथर्मिक प्रोसेस का डेफिनेशन। द प्रोसेस ड्यू टू हीट जनरेटेड एट द टाइम ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्जोथर्मिक प्रोसेस। इसको थोड़ा समझते हैं। किसी भी प्रोसेस के अंदर रिएक्शन के टाइम में कुछ हीट जनरेट होगा तो फिर उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्जोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, किसी भी प्रोसेस के अंदर रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन के टाइम पे ही हीट जनरेट होगा तो फिर हम उसको बोलेंगे एक्जोथर्मिक प्रोसेस। फिर देखते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है, फिर उसको समझेंगे। उसका जो डेफिनेशन है, द प्रोसेस व्हिच कंज्यूम हीट ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम इज नोन एज एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसको थोड़ा समझते हैं। किसी भी प्रोसेस के अंदर जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन के टाइम पे ही हीट कंज्यूम होगा तो फिर हम उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। हीट जनरेट होगा तो फिर हम उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हीट कंज्यूम होगा तो फिर उस प्रोसेस को एंडोथर्मिक प्रोसेस। मान लो कोई एक प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस के रिएक्शन के टाइम पे ही हीट जनरेट होता है तो फिर हम उसको बोलेंगे एक्जोथर्मिक प्रोसेस। हीट कंज्यूम होगा तो फिर हम उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।